दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर धुआं धुआं होने वाला है। हिंदी, साउथ, हॉलीवुड सब की तगड़ी फिल्में आपस में भिड़ने वाली हैं। बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हो या कलेश, फायदा तो ऑडियंस का ही होगा। तो कौन कौन सी हैं ये फिल्में जो दिसंबर में एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं, चलिए आपको बताते हैं। दिसंबर 2021 में पुष्पा द राइज रिलीज हुई थी। फिल्म की सीधी टक्कर नॉस्टैल्जिया से भरी स्पाइडरमैन नो वे होम से थी। उसके बावजूद इस फिल्म ने दुनिया भर से 350 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दूसरे पार्ट को लेकर भी तगड़ी हाइप बनी हुई है। मेकर्स ने पूरे बाजे गाजे के साथ अनाउंस किया कि वो 15 अगस्त 2024 की तारीख पर अपनी फिल्म सिनेमाघरों में उतारेंगे, लेकिन फिल्म की शूटिंग और पोस्ट प्रोडक्शन का काम तय समय पर पूरा नहीं हो सका। एडिटर ने फिल्म छोड़ दी, कुछ हिस्से फिर से शूट किए गए, इस वजह से फिल्म खिसकती चली गई। मेकर्स ने फिर से स्टेटमेंट रिलीज किया, बताया कि फिल्म तैयार नहीं हुई है और अब ये 6 दिसंबर को रिलीज होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि पुष्पा 1 का बजट करीब 188 करोड़ रुपए था, वहीं दूसरे पार्ट का बजट 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। हालांकि मेकर्स ने इन आंकड़ों की पुष्टि नहीं की है। विकी कौशल की ये फिल्म छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। विकी ने फिल्म में उनका रोल किया है। रश्मिका मंदाना संभाजी महाराज की पत्नी महारानी ये सुबाई बनी है। छावा की शूटिंग पूरी हो चुकी है। फिल्म ने काफ़ी पहले से 6 दिसंबर की रिलीज डेट पर अपना रुमाल रखा हुआ था, लेकिन अब उसी दिन पुष्पा 2 भी रिलीज होने वाली है। इससे दोनों फिल्मों के कलेक्शन पर असर पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि छावा के मेकर्स अपनी फिल्म आगे खिसका सकते हैं, हालांकि उन्होंने कोई ऐसी हिंट नहीं दी है। बीते साल विकी की फिल्म सैम बहादुर का क्लैश एनिमल से हुआ था। स्केल के मामले में संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म बड़ी थी, फिर भी दोनों फिल्मों को फायदा हुआ। छावा और पुष्पा 2 के केस में भी ऐसा कुछ हो सकता है। अहमद खान के निर्देशन में बन रही वेलकम टू द जंगल को लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ बनाया जा रहा है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, अर्शद वारसी, रवीना टंडन, जैकी श्रॉफ, लारा दत्ता, जैकलीन फर्नांडिस, मीका सिंह उन्हीं में से कुछ नाम हैं। फिल्म को भारी कास्ट के साथ अनाउंस किया गया, लेकिन उसके बाद ही कई मौकों पर गलत कारणों से न्यूज़ में रही। पहले खबर आई कि प्रोड्यूसर्स के बीच अनबन के चलते शूट रुक गया है, फिर बताया गया कि संजय दत्त ने बीच में ही फिल्म छोड़ दी। वेलकम के पिछले दोनों पार्ट्स का हिस्सा रहे नाना पाटेकर ने कहा कि मेकर्स के पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फिल्म नहीं की। हाल ही में अक्षय ने बताया कि वेलकम टू द जंगल की 40% शूटिंग हो चुकी है। मेकर्स ने अनाउंस किया था कि वो 20 दिसंबर को अपनी फिल्म उतारेंगे। इस डेट में कोई बदलाव होगा या नहीं, इस पर अभी कुछ बताया नहीं गया है। साल 2019 में आई द लायन किंग के हिंदी वर्जन में शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन ने अपनी आवाज़ दी थी। अब इसकी प्रीक्वल फिल्म मुफासा आ रही है। इस फिल्म के लिए शाहरुख और आर्यन के अलावा अबराम ने भी डब किया है। द लायन किंग ने इंडिया में करीब 158 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। ये एक पॉपुलर फ्रेंचाइज है, इंडिया में भी फिल्म की ऑडियंस है, उस लिहाज से भी ये यहाँ अच्छे नंबर दर्ज कर सकती है। आमिर खान की कमबैक फिल्म सितारे ज़मीं पर क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। ये साल 2018 में आई स्पैनिश फिल्म कैंपनीज का हिंदी रीमेक है। कहानी एक बास्केटबॉल कोच की है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को ट्रेन करता है। आमिर कोच के रोल में नजर आएंगे। ये पहले उन्होंने ये फिल्म सलमान खान को ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में रणबीर कपूर का नाम भी जुड़ा, लेकिन अंत में जाकर आमिर ने ही इसमें एक्ट करने का फैसला लिया। बेबी जॉन एटली की फिल्म थेरी का रीमेक है। कालिस ने इसे डायरेक्ट किया है और एटली फिल्म के प्रेजेंटर हैं। पहले ये फिल्म मई में आने वाली थी, लेकिन फिर अनाउंस किया गया कि इसे 25 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। बीते महीने खबर आई थी कि बेबी जॉन में सलमान खान का कैमियो भी होने वाला है। मेकर्स ने उनके लिए एक बड़ा मासी एक्शन सीक्वेंस भी तैयार किया है। ये पूरा लिस्टिकल आपके लिए तैयार किया था मेरे साथी अमन ने। आपको इसमें से कौन सी फिल्म का सबसे ज्यादा इंतजार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।